हेलो गाइज, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब बढ़िया से होंगे। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि ब्लड प्रेशर कैसे नापा जाता है, बीपी कैसे नापा जाता है, बीपी यानी रक्तचाप, बीपी नापने का सही तरीका क्या है और बीपी कितना रहना चाहिए और कितना नहीं रहना चाहिए, उम्र के हिसाब से बीपी क्या होता है, पूरा वीडियो में आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। अगर मेरे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करना है और वीडियो को शेयर भी करना है गाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज ये देख सकते हैं बीपी मशीन है मेरे पास, पारा वाला, एक डिजिटल भी होता है, एक घड़ी वाला भी होता है। तो मैं आपको फिलहाल पारा वाले में बीपी जांच करके बताने वाला हूँ कि कैसे बीपी नापा जाता है, और घड़ी वाला में भी मैं आपको बताने वाला हूँ बीपी कैसे नापा जाता है। तो गाइज चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज देख लीजिए कैसे बीपी नापा जाता है। तो सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं आप, इस टाइप पर लॉक लगा रहेगा, दिखाइए आप नजदीक आकर के, इस टाइप पर लॉक लगा रहेगा, इसको इस तरह से नीचे कर देना है ऐसे। इसके बाद आपको इसको खोलना है इस तरह से और ये निकालने वाला है और ये ऐसे इस टाइप से लगाने वाला होगा। तो अगर निकला होगा तो आप लगा लीजिएगा अपने में, और इसके बाद इसको इस तरह से हाथ में सीधा रखिए आप, इस तरह से हाथ में ऐसे लगाना होगा और इस टाइप से कस देना होगा। इसके बाद तो दोस्तों इस तरह के आला की जरूरत पड़ेगा आपको, अगर बीपी नापना है तो आला को इस तरह से यहाँ पर लगा लेना है ताकि अच्छी तरीके से नब्ज पता चल सके कि बीपी कहाँ से शुरू हुआ कहाँ खत्म होगा। और इस तरह से कान में लगा लेना है गाइज, और इस तरह से इसको लॉक कर करके हवा मारना है, इसमें इस टाइप से हवा मारना है। देख सकते हैं ये फूलना शुरू हो गया है, और यहाँ दिखाइए गाइस, यहाँ पर देखिए पारा चढ़ रहा है, आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। अब मैं इसको लगभग 220 तक हवा भर दिया हूँ, इसके बाद हम देखेंगे कि इनका बीपी कितना है, कितना बता रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर दिखाइए दोस्त, यहाँ पर दिखाइए, इसको हम धीरे धीरे खोलेंगे और खोलते हुए देखना है यहाँ पर कि मरकरी जो है पारा है कहाँ से कंपन करना शुरू किया है और कहाँ तक जाएगा कंपन करते हुए। इस टाइप से खोल दिए हैं गाइस, देख सकते हैं यहाँ से शुरू हुआ है इनका कंपन करना। एक बार फिर से देख लीजिए, यहाँ से शुरू हुआ है गाइज, 125 से शुरू हुआ है और मेरे कान तक भी आवाज जा रहा है फक फक की। और यहाँ देख सकते हैं आप, अच्छी तरह से देख सकते हैं मरकरी किस तरह से उछल रहा है, कहाँ जहां तक शांत हो जाएगा धड़कना वहां तक बीपी हो जाएगा। इनका लगभग 82-85 है, यानी 125/85 है बीपी इनका। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है बीपी। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ गाइज कि इसको लॉक करना है, उसमें हवा भरना है, लगभग 200 से 200 ऊपर तक आप भर सकते हैं जहाँ जितना, इस टाइप से देख सकते हैं आप, दिखाइए फिर से एक बार मरकरी देख सकते हैं। इसके बाद मैं धीरे धीरे इसको लॉक को खोलूंगा और जहां से आवाज करना, जहां से कंपन होना शुरू होगा वहां से बीपी शुरू हो जाएगा। देख सकते हैं गाइज 120 अभी बता रहा है, 120 122 के लगभग वहां से शुरू हुआ है कंपन होना, आवाज आना मेरे कानों तक, और देखिए कहाँ तक जाएगा। अस्सी तक बीपी सही है इनका। तो गाइज आपने देखा कि बीपी कैसे नापा जाता है, आप समझ गए होंगे। अगर समझने में कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट करिएगा। यानी सिंपली बात है कि बीपी 120/80 होना चाहिए, यानी कि 120 यानी ऊपर वाला जो है वो सिस्टोलिक कहलाता है, और जो 80 है यानी 120/80 हमने जो बताया वो 80 जो है वो डिस्टोलिक है। सिस्टोलिक और डिस्टोलिक देखा जाता है, जो 18 साल से 25 साल तक का उम्र है सिंपली उसका बीपी 120/80 होना चाहिए। अगर 30 साल है, 35 साल है जिसका उम्र, तो 125 चल सकता है, 125/85
90 तक भी चल जाएगा। यानी कि उम्र के हिसाब से बीपी कैलकुलेट किया जा सकता है। यानी 50 साल से 60 साल तक अगर उम्र है उसका, बीपी अगर 130 है, 135 है, 135/90 है, और जो ज़्यादा उम्र के हैं जैसे 60 साल 70 साल हैं, बीपी अगर उनका 140/100 है तो उसको नॉर्मल माना जाएगा, उसको साधारण माना जाएगा। यानी अगर 18 साल से कम उम्र है उसका बीपी अगर 110 है, 110/70 है, यानी सिस्टोलिक 110 है, डिस्टोलिक 70 है, तो उसको सिंपल साधारण माना जाएगा, बीपी सही है। अगर बीपी बढ़ा है तो नमक कम खाना पड़ेगा, अगर बीपी लो है थोड़ा नमक का ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा गाइज। यानी एडल्ट को बीपी अगर 120 से कम है, जैसे 110 है, 100 है, 60 है, तो बीपी लो है, उसको फौरन ज़रूरत है उसको बीपी नॉर्मल करने की गाइज। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ डाउट होगा आपको तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपका सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।